दमोह जिले की नोहटा थाना पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सूचना मिलने के बाद दमोह की नोहटा थाना पुलिस के द्वारा एक ट्रक को जब्त किया गया और इस ट्रक में से करीब 800 पेटी शराब जब्त की गई है। यह देशी और अंग्रेजी शराब है जिसकी 800 पेटियां जब्त की गई हैं और इस शराब की कीमत करीब 50 लाख रुपये बताई जा रही है। दमोह के पुलिस अधीक्षक DR तेनिवार ने बताया कि सूचना के आधार पर 17 मील के पास इस ट्रक को पकड़ने की कोशिश की गई और फिर यह ट्रक वहां से नोहटा की तरफ भागा और नोहटा की तरफ भागने के बाद उसे बस्ती से पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद पता चला कि ट्रक के पीछे की तरफ गेहूं की बोरियां रखी गई थी और उसके बाद उसमें करीब 50 पेटी शराब रखी हुई थी और यह कार्रवाई नोहटा पुलिस के द्वारा की गई है और इस मामले पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, शराब को जब्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक यह शराब बैतूल से दमोह के लिए लाई जा रही थी। दमोह में अवैध रूप से इस शराब को खपाने की कोशिश थी और पुलिस के द्वारा इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। क्या कुछ बताया दमोह के पुलिस अधीक्षक ने, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN न्यूज। आज प्रातः ही सूचना प्राप्त हुई थी नोटा पुलिस को कि एक ट्रक जिसका नंबर है MP28H 1965, इस ट्रक में बैतूल से शराब लाई जा रही है और यह 17 मील पर सूचना के आधार पर चेकिंग लगाई गई थी। नोटा पुलिस चेकिंग कर रही थी, पुलिस को देख करके ट्रक ने स्पीड से भागा, परिणामस्वरूप नोटा कस्बे में इस ट्रक को पकड़ा गया और जब पकड़ करके देखा तो पीछे गेहूं की बोरियाँ रखी थी, गेहूं की बोरियों के अंदर जो है शराब की पेटियाँ थी। अभी शराब की पेटियों की गिनती हुई, करीब करीब जो है 800 जो है शराब की पेटियां हैं जिसकी कीमत है करीब 50 लाख। ड्राइवर जो है मतीन खान है, जो परासिया का रहने वाला है, उसी खुद का ट्रक है, खुद गाड़ी चला रहा था और जब उससे प्रारंभिक पूछताछ की गई तो ये पाया गया कि बैतूल ज़िले में शाहपुर कस्बे से वहाँ से यह जो है शराब भर कर लाया था और वहाँ का जो गद्दीदार है जितेंद्र सिंह उसने शराब भरवाई थी और वहाँ पर जो भायल ग्रुप है जिसका वो ठेका है उसकी जो है वो शराब है। तो अभी तक जो इस प्रकरण में शराब जब्त हुई है, गाड़ी जब्त हुई है और एक ड्राइवर जो है मतीन खान उसकी गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी कर रहे हैं और प्रकरण में विवेचना की जा रही है। जो भी इसमें दोषी होंगे, अवैध परिवहन में बिकवाने वाले करने वाले, उनके विरुद्ध जो है विधि संगत कार्रवाई होगी। थाना नोहटा में धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है। यह दमोह आ रही थी, ड्राइवर के अनुसार ये दमोह लाना था, बोले जिस व्यक्ति की शराब है वो, उसने कहा कि दमोह जाके फोन कर देंगे, तो दमोह लाई जा रही थी। दमोह जिले में विभिन्न स्थानों पर खपाने लाई जा रही थी। कौन सी शराब है इसमें? अभी जो है देसी भी हैं और कुछ शायद विदेशी भी उसमें मिक्स है, करीब करीब जो 800 पेटियाँ हैं कुछ विदेशी मिक्स भी है और देसी भी, ज़्यादातर पेटियाँ जो है देसी शराब की है। कीमत इसकी करीब 50 लाख है।